नमस्कार दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब दोस्तों अगर आप चैनल पर नहीं आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर दीजिएगा अगर इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहे तो और डेली जॉब नोटिफिकेशन चाहिए तो दोस्तों उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा उत्तर प्रदेश पर असिस्टेंट अकाउंटेंट कम ऑडिटर पोस्ट का रिक्रूटमेंट होने वाला है टोटल एक आट आट पोस्ट है यहाँ पर आप देख सकते हो असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल के लिए टोटल वैकेंसी छः जिसमें जनरल के लिए थ्री

और ये सिर्फ जनरल कैंडिडेट के, के लिए है दोस्तों अकाउंट असिस्टेंट स्पेशल 950 पोस्ट जिसमें जनरली डब्ल्यू एस कैंडिडेट के, के लिए पोस्ट नहीं है ओबीसी के लिए 513 सौ तेरह के लिए तीन सौ निन्यानबे और एस के लिए अठतीस पोस्ट है एडवर्टाइजमेंट नंबर जीरो थ्री एग्जाम ओब्लिक टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर आप लोगों को वेतन मिलेगा लेवल फाइव का उन्तीस हज़ार दो सौ से लेकर बिरानबे हज़ार तीन सौ बेसिक पे स्किल के हिसाब से आप लोगों को मिलेगा और साथ में अन्य अलाउंस दोस्तों क्वालिफिकेशन पोस्ट वाइज में बता रहा हूँ आप लोगों को यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों पोस्ट नेम पोस्टमेर एडुकेशन क्वालिफिकेशन दोस्तों असिस्टेंट अकाउंटेंट यानी सहायक लेखकर जनरल सेक्शन के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए आपको बैचलर डिग्री इन कॉमर्स यानी बी कॉम पास होना चाहिए और अगर बी कॉम पास नहीं है अगर आपने डिग्री ग्रेजुएट या फिर डिप्लोमा कंप्लीट किया है अकाउंट इन अकाउंटेंट पे तो भी आप अप्लाई कर सकते हो या फिर दोस्तों अगर आपने ओ लेवल डिप्लोमा किया है कंप्यूटर ऑपरेशन में तो भी आप अप्लाई कर सकते हो दोस्तों यहाँ पर प्रिफरेंशियल क्वालिफिकेशन है अगर आपके पास टेरिटोरियल आर्मी में दो साल की सर्विस करने का एक्सपीरियंस है या फिर एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो आपको एडवांटेज मिलेगा नेक्स्ट आता है दोस्तों नेक्स्ट पोस्ट है ऑडिटर लेखक लेखा परीक्षक यानी ऑडिटर में ऑडिटर पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए आपको बैचलर इन कॉमर्स यानी बी कॉम फ्रॉम यूनिवर्सिटी उसके बाद बी कॉम या फिर दोस्तों ग्रेजुएट डिप्लोमा इन अकाउंटेंट और ओ लेवल या फिर ओ लेवल डिप्लोमा सर्टिफिकेट फ्रॉम कंप्यूटर ऑपरेशन यानी पहले का जो कोर्स और इसका एग, क्वालिफिकेशन सेम ही है दोस्तों चारों का क्वालिफिकेशन सेम सेम है मैं पढ़ के क्या बताऊँगा यहाँ पर चार दे दिया मैंने सोचा था कि चारों का क्वालिफिकेशन के लिए थोड़ा अलग अलग होगा लेकिन चारों के लिए क्वालिफिकेशन दोस्तों सेम है बी अगर बी नहीं है अगर आपने ग्रेजुएट डिप्लोमा कम्प्लीट किया है इन अकाउंटेंट में तो भी आप अप्लाई कर सकते हो अगर ये भी नहीं है अगर आपने कंप्यूटर ऑपरेशन में ओ लेवल सर्टिफिकेट कम्प्लीट किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो और सब में दोस्तों प्रिफरेंशियल क्वालिफिकेशन सेम है दो साल का अगर टेरिटोरियल आर्मी में आपने काम किया या फिर एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो आपको एडवांटेज मिलेगा।, मिलेगा दोस्तों आप लोगों को एज लिमिट चाहिए मिनिमम ट्वेंटी और मैक्सिमम फोर्टी ईयर ये एक जुलाई दो हजार चौबीस के अनुसार दोस्तों एप्लीकेशन फी ऑल ऑल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए पच्चीस रुपये दोस्तों जॉब कैटेगरी स्टेट गवर्नमेंट जॉब है उत्तर प्रदेश जॉब लोकेशन सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों रिटर्न एग्जाम होगा और इंटरव्यू होगा रिटर्न एग्जाम दोस्तों ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पेज है यहाँ पर रिटर्न एग्जाम का पैटर्न मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ पर देख स एग्जाम्पल पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री में होगा रिटर्न हंड्रेड मार्क का ठीक है थ्री पार्ट में क्वेश्चन सेट किया जाएगा क्वेश्चन पेपर में पहली सेट में आप देख सकते हो पार्ट वन में सब्जेक्ट नंबर टोटल मार्क नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल मार्क्स एंड पीरियड टाइम कितना मिलेगा आप लोगों को पार्ट वन में दोस्तों ऑडिट फाइनल अकाउंट्स पार्ट वन में पार्ट वन की वन में ऑडिट फाइनल टेन एमसी की टेन मार्क सेकेंड ऑप्शन में फंडामेंटल्स ऑफ उंटिंग प्रिपरेशन ऑफ प्रिलिमिनरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स डिप्रिसिएशन इसमें टेन एम सी क्यू टेन मार्क दोस्तों थर्ड ऑप्शन थर्ड भाग में आपको बताए डबल अकाउंटिंग सिस्टम बैंक रिकॉन्सिलेशन सेटलमेंट सॉरी रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट उसके बाद जनरल नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल रूल्स जिसमें पंद्रह एम सी क्यों पंद्रह मार्क ऑप्शन चार में पार्ट वन की ऑप्शन चार में आर टी जी एस ई बैंकिंग यूज ऑफ कंप्यूटर्स इन बजट कंट्रोल इनमें दस एम सी क्यू दस मार्क पार्ट फाइव में पार्ट वन की पाँच नंबर भाग में एडवांस अकाउंटेंसी जिसमें टेन एम सी क्यू टेन मार्क और पार्ट सिक्स में टैक्सेशन एरिथमेटिक्स टेन एम सी क्यू टेन मार्क्स दोस्तों पार्ट टू में नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड Contemporary technology development and innovation in the field. इसमें 15 MCQ 15 marks. और Part three में generally information related to the state of Uttar Pradesh यानी Uttar Pradesh ki GK आपको 20 marks. Total 100 MCQ 100 mark. दोस्तों आप लोगों syllabus के लिए कोई जाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर देखिए syllabus one नीचे यहाँ पर देखिए सिलेबस पार्ट वन में दिया हुआ है ये ऑफिशियल ये देखिए सिलेबस ऑडिट फाइनल अकाउंट्स बेसिक कंप्लीट अकाउंटिंग प्रिपरेशन ये जो जितना भी टॉपिक मैंने बताया देखिए हर टॉपिक का जो सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है आप लोग कृपया कष्ट उठाइएगा और पढ़ लीजिएगा ये देखिए पार्ट वन पार्ट वन का सिलेबस है ये देखिए पार्ट टू का सिलेबस जो कंप्यूटर नॉलेज इन्फॉर्मेशन उसकी सिलेबस आप लोगों को पढ़ना होगा किस किस विषय में आपको लोगों को पढ़ना है ये देखिए पार्ट थ्री का सिलेबस आप लोगों को पूरा सिलेबस दिया हुआ है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दोस्तों अप्लाई मोड ऑनलाइन ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट होगा बीस फेबर से अभी बीस अप्लाई स्टार्ट होने में पंद्रह चौदह दिन बाकी है लेकिन एडवर्टाइजमेंट आगे करने का मतलब दोस्तों अगर आपको पढ़ने का ज़्यादा समय मिलेगा एडवर्टाइजमेंट आगे हो जाने से आपको प्रिपरेशन लेने का भी तो टाइम लगता है इसका प्रिपरेशन को भी टाइम मिलता है दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई का लास्ट डेट ग्यारह मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर ऑफिशियल से डब्ल्यू डब्ल्यू डबू डॉट यू पी एस 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 सी डॉट गोव डॉट इन दोस्तों ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है यहाँ पर आप, आप देख सकते हैं हिंदी में भी एग्जाम पैटर्न वगैरह दिया हुआ है ये देखिए आप लोगों को इंग्लिश में दिक्कत हो तो आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो नोटिफिकेशन हिंदी में भी पब्लिश हुआ है मुझे संस्कृत हिंदी पढ़ने में दिक्कत होता है इसलिए मैंने इंग्लिश पार्ट से आप लोगों को पढ़ के बताया ये नोटिफिकेशन लिंक और अप्लाई लिंक के लिए आप लोग वीडियो डिस्क्रिप्शन पर जाइए मैंने दोनों ही लिंक दे दिया अप्लाई लिंक पर क्लिक करके आप लोग बीस फेबर के बाद अप्लाई कीजिएगा फिलहाल ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक को क्लिक करके आप लोग डिटेल्सली एक बार अपने आप से पढ़ लीजिएगा कोई अगर मुझसे छूट जाए तो तो सो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट सब कीजिएगा दिन भर आप लोगों के लिए मेहनत करके नोटिफिकेशन लाता हूँ तो सब्सक्राइब करके प्लीज़ सपोर्ट कर दीजिएगा मोटिवेट कीजिएगा आप लोगों के लिए काम करने का बेस्ट ऑफ लक